13 का ये सीजन हर मायने में काफी सफल साबित हुआ है। इस सीजन इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले कि दर्शकों का जुड़ाव इस शो के साथ लगातार मजबूत होता गया। टीआरपी के मामले में भी बिग बॉस 13 ने इतिहास रच दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी बिग बॉस का ये सीजन विवादों से घिरा रहा। शो को लेकर कई चीजें सामने आई, जिसके चलते ये सीजन सवालों के घेरे में आ गया। अब एक बार फिर से बिग बॉस पर सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ बायस्ड होने का आरोप लग रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि शो के मेकर्स सिद्धार्थ शुक्ला की ही ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं। मेकर्स का ये रवैया आसिम के फैंस को पसंद नहीं आया। रिपोर्ट्स हैं कि हाल ही में सलमान खान ने अपना वीकेंड का वार का एपिसोड शूट किया है। शो में कॉलर ऑफ द वीक की कंटेस्टेंट से भी बात करवाई गई। ऐसा कहा गया कि कॉलर का जो सवाल था वो सिद्धार्थ शुक्ला से था, क्योंकि वो सवाल सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ था, इसलिए उस सवाल को सिद्धार्थ की जगह आसिम से पूछने के लिए कहा गया। इसी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आसिम के फैन अकाउंट ने कॉलर ऑफ द वीक के भाई की चैट को ट्विटर पर लीक कर दिया है। उस लीक चैट से पता चल रहा है कि कॉलर सवाल तो सिद्धार्थ से पूछना चाहती थी, लेकिन मेकर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर कॉलर ने सवाल सिद्धार्थ की जगह आसिम रियाज से पूछा। सवाल ये था कि आसिम, जब शहनाज आपके साथ होती है तब वो आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो सिद्धार्थ के साथ होती है तो आप उसकी बुराई करते हैं, तो आपको शहनाज पसंद भी है या नहीं? क्या आसिम आप शहनाज को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हो? कहा जा रहा है कि ये सवाल जो आसिम पर लगा गया है वो असल में सिद्धार्थ शुक्ला के लिए था, लेकिन कॉलर के भाई के मुताबिक मेकर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। जैसे ही ये चैट लीक हुई है, आसिम के फैंस का गुस्सा बिग बॉस पर फूट पड़ा है। आसिम के एक फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये दिन देखना बाकी रह गया था, ये क्या चल रहा है बिग बॉस, शायद शुक्ला आपको अपनी आधी विनिंग अमाउंट देने वाले हैं, शर्मानी चाहिए आपको। आसिम के एक और फैन ने इसी तलख अंदाज में बिग बॉस पर निशाना साधा है। फैन ने लिखा, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मुझे लगता है कि मेरा वोट किसी काम का नहीं, लेकिन अब मैं और जबरदस्त तरीके से वोटिंग करूंगा। बिग बॉस मेकर्स को पता लगना चाहिए कि जनता बेवकूफ नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने बिग बॉस पर सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ बायस्ड होने का आरोप लगाया हो। कुछ दिन पहले एक्स कंटेस्टेंट और मॉडल सोफिया हयात ने भी बिग बॉस को सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ बायस्ड बता दिया था। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।